हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वही, इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था एसी जनरेटर के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। कि क्या होता है भाई ट्रांसफॉर्मर? अ डिवाइस विच इज यूज फॉर चेंजिंग द एसी वोल्टेजेस। एक ऐसा डिवाइस जिसे एसी वोल्टेजेस को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। अब आपके ट्रांसफॉर्मर में भी दो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो एसी वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा देता है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो एसी वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा देता है, उसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। और एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो एसी वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है बच्चों, या घटा देता है, उसे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो ये तो हम लोगों ने सीखा ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी, क्या होता है ये ट्रांसफॉर्मर, या एसी और डीसी ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राइम प्रिंसिपल, कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जो ये ट्रांसफॉर्मर है भाई, ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आपको थोड़ा सा भी पहले वाला याद है, मैंने आपको पूरा अच्छे से दो टॉपिक करवाए थे, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जिसे लोग एम से, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, वो क्या है और कैसे उसका जो प्रूफ है वो किया जाता है, या फिर सेल्फ इंडक्शन क्या है, उसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है कि जब हम किसी एक कॉइल में फ्लक्स चेंज करते हैं, व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with one coil changes, then the EMF is induced in the secondary coil. जब हम लोग एक कॉइल में फ्लक्स चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में द चेंज इन दी करंट और द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज ऑब्जर्व। कि देखा जाता है कि इसमें चेंज करोगे आप, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे तो सेकेंड कॉइल में आपका जो EMF है वो इंड्यूस होगी, या इंड्यूस ईएमएफ की प्रोडक्शन देखी जाती है। अब बात करते हैं इसकी इजी सी कंस्ट्रक्शन के बारे में, कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है बच्चों, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। अ ट्रांसफॉर्मर सिंपली कंसिस्ट ऑफ अ लेमिनेटेड आयरन कोर टू रिड्यूस एडी करंट। एडी करंट्स को मैंने बताया था, एडी करंट्स क्या होते हैं, जो आपकी पहले वाली यूनिट्स है जिनमें हमने सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ऑल दोज टॉपिक्स जो हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें मैंने आपको एडी करंट्स के बारे में डिटेल में बताया था। अगेन भूल गए हो तो पहले वाली वीडियोस को रेफर करो, क्यों नहीं आएगा, एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, तीसरी बार आपको अपने आप आएगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ लेमिनेटेड आयरन कोर टू रिड्यूस द एडी करंट्स ऑन दिस लेमिनेटेड आयरन कोर टू कॉइल्स पी एंड क्यू अराउंडेड। कहता है इसमें एक लेमिनेटेड आयरन कोर रहती है, इसमें एक लेमिनेटेड आयरन कोर रहती है और दो कॉइल्स का यूज किया जाता है, या एडी करंट्स को घटाने के लिए इस लेमिनेटेड आयरन कोर पर दो कॉइल्स, कॉइल पी और कॉइल जो हमारे क्यू है, या कॉइल पी और कॉइल एस की वाइंडिंग की जाती है। तो यहाँ पर ऐसी है, तो यहाँ पर भी ऐसी ले लो, कंफ्यूजन नहीं होगी। टू कॉइल्स पी एंड एस आर वाउंडेड एंड बेसिकली दीज कॉइल्स आर मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ क्या सीखा कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, या ट्रांसफॉर्मर की क्या कंस्ट्रक्शन है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है भाई इसकी कि कैसे हम लोग, या कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हम ट्रांसफॉर्मर में कंसीडर करते हैं या प्रूफ करते हैं। नाउ नेक्स्ट है बच्चों आपका, कि हम जानते हैं पहले जो हमने पढ़ा है, या अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, जो हमने फ्लक्स के फॉर्मूले करे हैं, उन फॉर्मूला से हमें पता है, एक बात पता है कि जो फ्लक्स है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे कि फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ये वो बातें हैं जो हमें पता है, दीज आर द नॉन फैक्ट्स। अब यहाँ पर क्योंकि फाई एस यानी कि फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल के, तो अगर आप इनकी रेशियो लोगे तो क्या आएगा, फाई एस बाई फाई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, फाई एस बाई फाई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, ठीक है, जो कि और इस रेशियो को हम के कहते हैं। के का जो नाम है या के को जो नाम दिया जाता है वो होता है ट्रांसफॉर्मर कॉन्स्टेंट, ट्रांसफॉर्मर कॉन्स्टेंट, के को यहां पर कहा जाता है ट्रांसफॉर्मर कॉन्स्टेंट। अब यहां पर अगर के की वैल्यू वन से बड़ी है, अगर किसी केस में के की वैल्यू वन से बड़ी है तो वो आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, और अगर के की वैल्यू वन से छोटी है तो वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। के की वैल्यू वन से बड़ी है तो स्टेप अप, के की वैल्यू वन से छोटी है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब दूसरी चीज क्या है भाई, यहां पर फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, फाई एस बाय फाई पी की वैल्यू कैन एस बाय एन पी इज इक्वल टू के, तो फाई एस का एक्सप्रेशन यहां से क्या बनेगा, फाई एस का एक्सप्रेशन इज इक्वल टू बनेगा फाई एस इज इक्वल टू फाई पी एन एस बाय एन पी, दोनों साइड डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू पी, क्या बन जाएगा डी फाई एस बाय डी टी इज इक्वल टू डी फाई पी बाय डी टी इंटू एन एस बाय एन पी। ठीक है बच्चों, आप डी फाई बाई डी टी करते हैं ईएमएफ होता है, यानी कि आप लिख सकते हो ई एस इज इक्वल टू ई पी एन एस बाय एन पी, ई एस इज इक्वल टू ई पी एन एस बाय एन पी। चले आगे, अब आगे क्या करना है भाई हमें, दूसरी चीज अब इसमें क्या है, कहता है कि हमने यहां से ये चीज प्रूफ की कि ई एस बाई ई पी बराबर है एन एस बाई एन पी के, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स, क्यों क्यों है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इधर देखो इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ये भी नीचे और ये भी नीचे है, तो ये आपकी जो इक्वेशन है यहाँ वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रूव करती है कि इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप आपका इसमें क्या है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप इसमें है कि अगर एक ट्रांसफॉर्मर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल का मतलब क्या है कि उसमें किसी भी तरीके के जो आपके लॉसेज है वो नहीं है, अगर कोई ट्रांसफॉर्मर आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो उसका मतलब क्या है, उसमें किसी भी तरीके के लॉसेज नहीं है, इफ अ ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर देन आप कह सकते हो कि जितनी इनपुट पावर है वही आउटपुट पावर है, या इनपुट पावर और आउटपुट पावर जो है वो हमारी बराबर है, और EPIP बराबर है ESIS के, EPIP बराबर है ESIS के, तो यहां से भी एक रिलेशन, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स और इंड्यूस ईएमएफ के बीच का रिलेशन है, तो यहां से आपके पास एक रिलेशन बच्चों प्रूफ होता है करंट और इंड्यूस ईएमएफ के बीच में कि ES by EP is equal to ES by EP is equal to IP by में IS, ES by EP, EP आप इधर चला गया, ES by EP is equal to IP IS इधर आ गया, IP by में IS। अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास ये आए ट्रांसफॉर्मर में किसकी एफिशिएंसी निकालो, कुछ नहीं करना, आउटपुट पावर यानी कि ये इसको डिवाइड कर देना है इनपुट पावर यानी कि इससे, किसी क्वेश्चन में अगर ये आता है एफिशिएंसी निकालो
कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने आउटपुट पावर को इनपुट पावर से डिवाइड कर देना और एफिशिएंसी को नीटा से डिनोट किया जाता है, मैं आपको बता दूं एफिशिएंसी इज डिनोटेड बाय नीटा। तो अभी हमने क्या सीखा कि ट्रांसफॉर्मर के केस में जो हमारे रिलेशन है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो कैसे बनता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, होता क्या है भाई ट्रांसफॉर्मर, या कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो ट्रांसफॉर्मर के केस में यूज किए जाते हैं या अप्लाई होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं।